साथियों नमस्कार, हम इस समय उपस्थित हैं पत्थर गिरजाघर जहाँ पे धरना स्थल है और यहाँ पे लगातार आज तीसरा दिन है धरना का। और गौरी हत्याकांड को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज पासी जी। इस कांड के बारे में उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या राय है, क्या राय है सर? देखिए, इस घटना के संदर्भ में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इस सारे घटना का अवलोकन हमने किया था मौके पे, उस दिन बॉडी के साथ रहे, अंतिम संस्कार तक रहे और सारे अधिकारियों से संवाद रखे, बातें रखी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आश्वासन दिया कि 11 दोषियों को एक साथ पकड़ के जेल में डाला जाएगा, तो कहीं न कहीं प्रशासन शासन के दबाव में काम करता नज़र आ रहा है। जिस तरीके एक निर्दोष व्यक्ति को सिमिलर कास्ट, एक ही जाति के व्यक्ति को पकड़ना और तुरंत खुलासा कर देना, ये निश्चित तौर पे एक षड्यंत्र से भरा हुआ मामला समझ में आता है। लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि पवन सरोज को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। नहीं, पवन सरोज को तो फंसाया जा रहा है, ये तो सिद्ध ही हो गया है। इन्होंने जो भी टॉर्चर करना था, जो भी स्टेटमेंट उसको लेना था, वो ले चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस के आला अधिकारियों का स्टेटमेंट को आप देखते हैं, अवलोकन करिए, तो आपको समझ में आता है। उन्होंने ये बात कहा कि पवन सरोज अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब जब व्यक्ति हिंदी में ही नहीं पढ़ सकता और ना ही लिख सकता है, ये सारे लोग, पूरे गांव के लोग ऐसा मानते हैं और ये पुलिस भी एक्सेप्ट कर रही है कि अनपढ़ है। तो अनपढ़ व्यक्ति, जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले जारी किया पुलिस ने कि उधर से उसने लिखा आई लव यू, उसने आई हेट यू लिख दिया, तो इतना लिखने और पढ़ने के संवाद में क्या उसको जानकारी थी? जब वो अनपढ़ है तो पढ़ा कैसे? आज ये सवाल जो है पुलिस के गले में खुद ही अर्जा हुआ है, तो पुलिस खुद ही आज अपने ही स्टेटमेंट पे फंसती जा रही है। अब दूसरा, उधर से सबूत नहीं मिलने के बाद दूसरी जगह जाल फेंका और दूसरी बार भी शिकस्त खा गई पुलिस। अभी तो एक मैटर जो है कह रहे हैं कि गुड़गांव में लोकेशन मिल रहा है। हाँ, तो वो गुड़गांव में लोकेशन मिला, ये भी पुलिस ने एक्सेप्ट किया कि जिसको शक के बुनियाद पे उन्होंने पकड़ा, तो पकड़ने के बाद उनका लोकेशन जो है गुड़गांव में दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे वो अपराधी नहीं है, वो दोषी नहीं है, ये सिद्ध होता है। अब उन्होंने फिर दूसरी बात, पुलिस ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया कि हो सकता है पैसा दे के किसी से मर्डर और हत्या करवाया गया हो, और फिर यहाँ जाके ओपन हो रहा है मामला। तो पुलिस जानबूझ के इस मामले को दरकिनार करते हुए, एक शेड्यूल कास्ट का मामला है तो उत्तर प्रदेश की सरकार शेड्यूल कास्ट के विरोध में काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अभी कल की घटना है, एक फिर बलात्कार हो गया फाफामऊ की एरिया में, तो ये निश्चित तौर पे ये सरकार के जो सानिध्य में, प्रशासन के सानिध्य में जो गुंडे बदमाश काम कर रहे हैं और उनको एकदम खुला छूट है आतंक करने के लिए, अपराध करने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है। चूंकि अपराध रुक नहीं रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, तो ये पुलिस लिपापोती करने में वो प्रशासनिक और प्रशासन और शासन की मिलीभगत से ऐसा वो कर रहे हैं। घर वालों ने 11 नाम ज्ञात करवाए हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, 11 लोगों को नामजद FIR हुआ, तो जिस दिन की घटना है हम उसमें मौजूद थे, तो पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तारी तत्काल कर दिया था, 2 लोगों की कुछ देर के बाद किया और बाकी पुलिस लोगों ने फिर 9 लोगों की गिरफ्तारी की, अभी 2 उसमें भी बाकी है। तो गिरफ्तारी तो किए हुए है लेकिन उनको बचाने के लिए ही ये सारी कवायद शुरू है, क्योंकि पूरे देश में नहीं दुनिया में योगी सरकार की छेछालेदर हो रही है, योगी सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। तो बचाव पक्ष के लिए कि किसी तरीके से ये सवर्ण मानसिकता से जो सरकार काम कर रही है, उन सवर्णों को बचाया जाए, इसलिए निरंतर अपने बयान को चेंज करना, प्रशासन के ऊपर शासन का दबाव बनाए रखना,
ये मामला है। आपके मौजूदगी में जो है रकम मांगी गई थी 16 लाख रुपए, क्या अभी मिली कि नहीं? उस समय एडीएम डीएम प्रभारी थे और क्राइम विभाग के एसपी थे, तो वो भी एसएसपी के प्रभारी बन के गए थे। उन्होंने आश्वस्त किया और लिखित में रिटर्न में लिख के दिया कि हम 16 लाख तुरंत ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। तो अभी इस संदर्भ में हमारी एडीएम साहब से भी क्लियर अभी बात नहीं हुई है और कल संभवतः मैं बात करूंगा इस मुद्दे पे। हमारे साथ में उपस्थित हैं पूर्व एसडीएम साहब, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या राय है, क्या राय है? मैं घटनास्थल पर भी गया था, मोर्चरी में जिस समय लाश थी, रात्रि तक जिस तरह से नाटक चल रहा था, एडीएम साहब वगैरह लाश को लावारिस की भांति जला देना चाहते थे, लेकिन हमने अपने युवा वर्ग के समाज के सभी लोगों को प्रेरित करके मोर्चरी पे लगाया। तब जा कर के दूसरे दिन लाश मिली। लाश मिलने के बाद जो मृतक का छोटा भाई है, बीएसएफ में जवान है, उससे लगातार बात करता रहा और साथ साथ लाश को ले गया। घटना स्थल पर जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ काफ़ी कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसमें अभी मनोज जी ने अपनी बाइट में बताया जो है वो अक्षरशः सही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने समाज से, ये बताना चाहता हूँ बहुजन समाज से, क्योंकि आज का जो धरना है ये बहुजन युवा मोर्चा का धरना है। बहुजन युवा मोर्चा का मतलब हुआ 85% SC ST OBC माइनॉरिटी, ये बहुजन युवा मोर्चा का मतलब हुआ। तो ये जो है धीरे धीरे आज की तारीख में भी मुझसे जितने संगठन जुड़े हुए हैं सारे संगठन से हम यही अपील करते रहते हैं कि अब जो है युवा जाग चुका है, अब जागेगा और इससे जो है जाग करके अपने जो है अत्याचारों का, अपने उत्पीड़न का अवश्य बदला लेगा और उस बदला का संवैधानिक तरीका यही है। कैंडल मार्च है, धरना है, प्रदर्शन है, अपनी बात को पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है। मैं इसीलिए कह रहा हूं अपने सारे भाइयों से, बहनों से, हम अपने प्रशासनिक अनुभव के अनुसार कुछ तथ्य अपने जात के उत्पीड़न पर लगाम लगने के उद्देश्य से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे पासी जात की बाहुल्यता उत्तर प्रदेश में अधिक है और उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार भी अधिक है। यदि पासी समाज के विभिन्न संगठन एकाकी डोर में बंध कर मुकाबला करना चाहते हैं तो उन्हें केवल धरना, प्रदर्शन, कैंडल मार्च से संतोष नहीं दिलाया जा सकता है। इस संतोष के लिए विधिक फोरम का भी गठन करना पड़ेगा और आवश्यकतानुसार तथ्यात्मक जानकारी व साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में तथा स्थानीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर से और केंद्र स्तर से पहल करते हुए तथ्यात्मक अपील की प्रतियां इकट्ठा करके न्यायालय की शरण में PIL का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, तब हमको न्याय मिल सकता है, अन्यथा हमें न्याय की कोई अपेक्षा नहीं है। जिस तरह से एक को पकड़ करके दूसरे उसी सजातीय आदमी को फंसा करके पूरे एट्रोसिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, ये अब होने वाला नहीं है। अब जो है हमारा युवा जाग चुका है, अगर युवा जाग चुका है तो दुश्मन जरूर भागेगा और दुश्मन को भागना पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे कि चाहे जितना बड़ा जो है दुश्मन हो, अगर हमारे 85% लोग, बहुजन युवा लोग अगर जाग गए तो एक ना एक दिन क्रांति अवश्य होगी और जन आंदोलन होगा। इसमें जो है इस जन आंदोलन में केवल एक दो नहीं, इसमें पूरे भारत देश के ही नहीं विदेश के भी जो है सारे लोग जो है बामसेब के माध्यम से इकट्ठा होकर के जो है इसको ऊपर तक पहुंचाने का और अंतिम न्याय को पाने के लिए जो है न्याय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाना पड़ेगा तो हमारी बात ऊपर चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए लोग तैयार हैं। बहुत धन्यवाद। बाकी जो आप लोग जो रात दिन जो है कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें पूरा सहयोग है, साथ है, आप सब हिम्मत मत हारिए, हम सब जो है पूरी तरह से आपके साथ में हैं। रात दिन जो है जो आपका प्रयास चल रहा है आप जरूर अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ
अपने समाज से अपील करना चाहता हूँ, बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब अब भी जाग जाइए और एक होकर के एक फोरम में एक डोर में बंद करके आवाज़ उठाइए, जिससे हमारा उत्पीड़न, हमारा बलात्कार, हमारा शोषण बंद हो और हमें भी एक नई ज्योति और जीने का सहारा संविधान के अनुसार मिल सके। बहुत लोग जो है पासी समाज के मंत्री कौशल किशोर पर उंगली उठा रहे हैं कि वो 26 तारीख को इसी इलाहाबाद धरती पर आए थे कार्यक्रम के और घटनास्थल पर नहीं गए। मैं जो है उनका इंतज़ार ही करता रहा। मैं सोच रहा था जिस समय मैं SDM अमेठी था 2000 में, उस समय से मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। आर्य प्रसाद साहब DM थे और बिजली पासी किला पे, महाराजा बिजली पासी किला पे जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई थी, जो जोश खरोश उनमें था, हमको लगता है वो सब जो है ख़त्म हो चुका है और वो भी एक दलीगत दलदल में फंस कर अपने आप को बुझे हुए दीपक की भांति केवल सुलगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ में बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन धरना जो है बढ़ता जा रहा है और अभी प्रशासन आई है कि नहीं आई है, क्या कहते हैं? देखिए, जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और जब तक हमारी CBI मांग पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैं माननीय मनोज सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय SDM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो अपनी टीम के साथ इस आंदोलन में आए और सहभागिता दर्ज किए। मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और अन्य मैं संगठनों से अपील करता हूँ कि आप आइए, इस आंदोलन में सहभागिता दर्ज कराइए और अपने समाज को न्याय दिलाने का काम करें। हमारे साथ में जो है गाजीपुर से भी लोग आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वो मऊ ज़िले से आए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इतनी दूर से आए हैं, क्या कहेंगे गोरी हत्याकांड पर? मैं यही कहना चाहता हूं, जो गोरी हत्याकांड हुआ है, एक ही परिवार में जो है 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई है और यह जो सरकार है यह जो है उस कांड को अनदेखी कर रही है। और मैं जो है सरकार से यह गुहार करता हूँ कि अब इसमें जो है पुलिस प्रशासन का मामला हटा के सीधे और सीधे CBI जांच लगाई जाए और जो भी दोषी है, चाहे किसी भी जाति समुदाय संघ का हो, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला जो दिन है उससे उस चीज़ से लोग डरें और ऐसा न करें, मेरी यही मांग है। जिस तरह से लगातार प्रशासन के बयान या पेपर में अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मेरी सीधी सीधी मांग यही है कि चाहे जो भी दोषी हों, आप उनको CBI जांच लगा के फांसी की सज़ा दें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रसेन है, मैं मऊ ज़िले का रहने वाला हूँ, मोहम्मदाबाद गोहना से हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।